सो हे गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं हूं अंजलि कार्की और स्वागत करती हूं आप सभी का आज के अपने नए ब्लॉग में। सो गाइज, आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं गोरल देवता गोलजू के दरबार पर और आज का पूरा ब्लॉग हमारा वहीं पर बनने वाला है। इस मंदिर के गेट पर हम लोग पहुँच गए हैं। चलो चलो। सो गोरल देवता आ चुके हैं हम आपके दरबार, अपनी मनोकामना, हमारी मनोकामना आपने पूरी की और अपना जो वचन हमने दिया था उसको निभाने के लिए अनुभव को चलते हुए हम ला चुके हैं। चलो चलो। हाँ, वेरी गुड। हाँ, और चलो, आ जाओ भैया, जाओ। जय भगवान जी कह दो। चलो अब अंदर जाते हैं। हमने पूजा वगैरह ना अंदर कर ली है और पहले मैंने मंदिर की वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेन काम है हमारा दर्शन करना, तो हमने ना दर्शन वगैरह कर लिए हैं। अब मैं ना मंदिर परिसर का पूरा आपको, मतलब मंदिर का पूरा आपको परिसर दिखाती हूँ एक बार। तो शुरुआत करते हैं नीचे गेट से। मैं अंदर आई हुई हूँ, फिर से नीचे जा रही हूँ। यहाँ हमारी क्यूटी बाई आ रही है, ठुमक ठुमक कर मंदिर के चारों ओर के दर्शन कर रही है। और यह है क्यूटी बाई की क्यूटी बाई पापा। सो गाइस, ये तो था मंदिर का चारों ओर का प्रांगण जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और आपको हमने ना दिखा भी दिया है। और दर्शन वगैरह ना हमने कर लिए हैं। दर्शन वगैरह करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस क्योंकि हमें आगे भी कुछ काम है। और गाइस, मंदिर में आने का आज मेन कारण क्या था वो मैं आपको बताना ही भूल गई हूँ, तो सबसे पहले वो भी आपको बता देते हैं। तो उसके लिए ना एक जगह पर पहले मैं बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद आपको बताती हूँ। मंदिर में आने का मेन कारण थी ना अनुभव की वजह से मैं मंदिर में आई हूँ, क्योंकि हमारी अनुभव ने ना चलना बहुत देर में सीखा, मतलब इसको 1.5 साल ना पूरा हो चुका था, 18 महीने पूरे हो चुके थे, पर ये इसको चलना नहीं आ रहा था, बस ये घुट्टों के बल ही चलती थी। और मुझे ना इस बात पर इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही थी ना गाइस, तो बस मैंने ऐसे एक बार बोला कि गुरु देवता अगर ये चलने लगेगी तो ना मैं मंदिर आऊँगी। और सीरियसली ना 15 दिन के अंदर ये चलने लग गई, मतलब 15 दिन में ही। और ऐसा नहीं कि ये वैसे नहीं चलती, चलती, पर मतलब एक विश्वास होता है ना कि इतनी जल्दी ये चलने लगी। और उसके बाद फिर इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा यार चलो फिर दर्शन तो बनते ही हैं, यहाँ के करने ही पड़ेंगे हमें, क्योंकि अगर हमारी मनोकामना पूरी की है तो हमने जो बोला है हमें वो भी करना ही पड़ेगा। इसलिए आज हमें टाइम हुआ, देर से ही आए पर बुलावा आज ही हुआ, तो आज हम लोगों ने ना यहाँ के दर्शन वगैरह भी कर लिए। और अनुभव को मैंने ऐसे बोला था ना कि गेट से मैं इसको पैदल चलते हुए ले जाऊंगी, तो ये गेट से पैदल ही चलती हुई गई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा गाइस, और इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा ना, मैं जब अंदर दर्शन कर रही थी ना, पता नहीं क्यों आज मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे थे। सो गाइस, दर्शन करने के बाद ना हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ से इसके बाद हमें जाना है कहीं भी जा सकते हैं। अभी तो फिलहाल दुकान में जाना है पहले, फिर उसके बाद कहीं भी जा सकते हैं। सो गाइस, मंदिर के दर्शन करने के बाद ना हम लोग आ चुके हैं चंपावत की कैंटीन पर, और यहाँ से ना हमने सामान लेना है, पर कुछ भी पता करने के लिए गए हैं कि सामान आज मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि शायद इनका कुछ फिक्स टाइमिंग होता है सामान देने का, और अगर मिलता है तो ये जाएंगे, और अगर नहीं मिलता है तो फिर तो हमें यहाँ से वापस ही जाना पड़ेगा, फिर हम सामान खरीदेंगे मार्केट से। तो गाइस, आज ना कैंटीन बंद है, वैसे हफ्ते के 7ों दिन खुलती है, लेकिन आज पता नहीं क्यों बंद है, इसलिए हमें, तो इसलिए हम लोग ना अब यहाँ से जा रहे हैं आगे।
और पहले मुझे जाना है सरकारी वाले हॉस्पिटल पे, क्योंकि वहाँ मुझे स्किन की एलर्जी दिखानी है। आजकल ना गर्मी की वजह से पता नहीं क्यों, पर मेरी स्किन में बहुत एलर्जी हो रही है, पूरी बॉडी हैंड मतलब सभी जगह पूरी एलर्जी हो रही है। तो हम सोच रहे हैं सबसे पहले उसको दिखा लेते हैं, अगर कोई वहाँ पर स्किन वाला है तो, अगर नहीं हुआ तो फिर कहीं बाद में ही दिखाना पड़ेगा। गाइस कैंटीन का जो एरिया होता है ना वो इतना साफ़ सुथरा होता है, तो मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर साइड में ना आजकल बहुत सारी पिक्चर्स बनी हुई है, यहाँ पर साइड में ना कैंटीन के ऊपर साइड को बहुत सारी दीवारों पर बहुत सारी पिक्चर बनी हुई है। और सो गाइस अब हमें लेना है यहाँ से सामान, और चंपावत आने के बाद जो हम सामान लेते हैं सबसे ज़्यादा यहीं से लेते हैं, जाते हैं इसके अंदर। हम लोगों ने सामान वगैरह खरीद लिया है, और आप अनुभा को देखो जरा, अनुभा ने ना एकदम मॉल में हमें बिल्कुल भी सामान नहीं खरीदने दिया, ना ये गोद में रहती थी और नीचे रहती थी, इतनी सैतानी ना उसने क्या किया ना गाइस, तो हंसी आ रही ना अभी भी सोच के। इसने पता नहीं ये कहाँ से आलू वगैरह लाई, और इसने जो यहाँ पर दालें वगैरह होती है उनमें आलू और प्याज भरने पड़ेगी। फिर अपने लिए एक बॉल उठा के ले आई और उसकी बिलिंग भी नहीं करने दे रही, बाप रे इतनी सैतानी ना, जो सामान जहाँ चले उसको। और इसकी वजह से मुझे फ़ोन बंद करके भी इसको देखना पड़ा गाइस, इतनी सैतानी कर रही ना इसने। महाराज को देखो यार, फीस भी स्पीकर बिल्कुल डकार बांधने लगे। अनुभव अपना फेस दिखाओ, उधर देखो एक बार अपना फेस दिखाओ। चलो मैं चलो चलो सो गाइस सामान वगैरह तो दे दिया, अब जाते हैं यहाँ से आगे, तो कुछ सामान हमें आगे से लेना है। सो गाइस मॉल से सामान खरीदने के बाद ना हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर साइकिल वाली दुकान पे। अनुभव के लिए यहाँ पर से साइकिल सोचते हैं छोटी वाली, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ना। क्या हुआ एक बार बैठो अनुभव। अनुभव को अभी यहाँ पर ना बैठाया जा रहा है, पर अनुभव को पहले तो गुस्सा आ रहा था, अभी थोड़ा खुश हो गया। ठीक है सही है, थोड़ा आगे भी चलना चाहिए ना, अभी फिर वेस्ट ही जाती है अगर। सो गाइस हम जहाँ पहले गए थे ना वहाँ पर हमें साइकिल बड़ी वाली थी, बच्चों की लाइक की नहीं थी, तो उसके बाद ना हम लोग आ चुके हैं ये वाली शॉप पे और यहाँ से ले रहे हैं साइकिल। साइकिल हमने सिलेक्ट कर ली है, बस उसमें ना पीछे से सपोर्टर लगाना है, क्योंकि इस वाली साइकिल में पीछे से सपोर्टर नहीं है। और जो भैया है अभी लगा रहे हैं यहाँ पर इसमें, और मेरी बेटी का काम चल रहा है झाड़ू लगाने का, अनुभा का कहीं ना कहीं। सो गाइस अनुभा यहाँ पर काम कर रही है झाड़ू लगाने का यहाँ, और ये वाली साइकिल हमने इसके लिए सिलेक्ट की है, बस इसमें सपोर्टर लगा लें पीछे से, आपके पास होगा। और इनका मोबाइल जो डेली का एक दो दिन होता है। हाँ और लगाओ, साफ कर दो, सारा साफ करो। काम कर रहे हैं यहाँ, काम पर रख लेंगे आपको यहाँ। मामा गाइस हमने जो साइकिल पसंद की थी ना वो हमने ले ली है, और जो साइकिल हमें पड़ी ना वो वैसे 3800 की थी, लेकिन हमें 32 में लग गई थी वो सही से। तो और अनुभव इतनी ज़्यादा खुश हो रही ना उसमें बैठने के लिए, जैसे हमने गाड़ी के अंदर रखा ना उसको यहाँ पे, तो अनुभव रोने लगी कि उसमें बैठना है करके। फिर क्या किया, इसको ऐसे ही बना रखा है। और आज हमारी पीछे की साइड जो सीट है ना गाइस पूरी वो सामान से भर रखी है, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा सामान ख़त्म हो रखा था जो हम कब से लाए नहीं थे, तो आज हमने सामान वगैरह भी खरीद लिया है। कुछ जो अभी गए हैं ना सामने वाली मतलब वो फूड सेंटर है, तो वहाँ से कुछ खाना वगैरह लेके आएंगे हमारे लिए, खाना मतलब फास्ट फूड ही लेके आएंगे हम, चाउमीन या फिर मोमो, जो कि हम आगे बैठकर कहीं जंगल पे खाएंगे, क्योंकि ना सुबह से मंदिर आना था, तो हम आज हम खाते नहीं आए और बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। हम लोग ना गाइस अभी रोड के किनारे छाए में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर हमारा चल रहा है ना अभी सुबह का नाश्ता, हमारा दिन में हो रहा है अभी, तो हम लोग लाए हैं यहाँ पर मोमो चाउमीन एंड बर्गर, तो वो चीज़ हम यहाँ पर खाने वाले हैं। यहाँ अनुभव को बैठा रखा है, इधर बैठ रखे हैं पुच्चू, और सबसे बड़ी चीज़ ना गाइस हमें डिस्पोजल नहीं मिले वहाँ पर, तो हमने ना मतलब जिसमें पैक कर रखा था उसी में ऐसे खाने कर रखा है, और हमें हाथ से ही खाना है अभी।
हमें फॉग वगैरह भी कुछ भी नहीं मिल रखा है, तो हाथ से ही खाने वाले हैं हम। तो उसके बाद में ये दो दुकान में पूछा ना, तो हमें मिला भी नहीं। तो अब फटाफट यहाँ पर हम लोग ना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। और उसके बाद आपको चारों ओर का व्यू दिखाती हूँ। चाउमीन अनुभव को खाना है, चाउमीन ये लो। मिर्च हो रही होगी उसमें, पता नहीं। अनुभव को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है गाइस। थोक दिया उसे, नहीं खाना मिर्च हो रही। गर्म हो जाओ ना तबे गाइस। यहाँ से नीचे का जो व्यू है ना, वो इतना सुंदर है ना, बहुत ही ज़्यादा। सामने से है गांव और चारों ओर इतनी हरियाली हो रखी है ना आजकल, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर हमने ना खाना वाना सब कुछ खा लिया है, और थोड़ी देर हमने यहाँ पर अपनी थकान भी मिटा ली है, और चारों ओर से ना हम नेचर का आनंद ले रहे हैं। इतना सुंदर यहाँ का व्यू है ना आज का, क्या बताऊँ। और रोड में आप देख सकते हो गाइस, आजकल ना रीठा साहिब जाने के लिए लोग जा रहे बाइक में अपना अपना झंडा लगा के। फिर नीचे वाली रोड कौन सी है? यहाँ से घूम रखी है, मैं कंफ्यूज जैसी हो गई। गाइस देखो, कभी कभी ना भूल जाती हूँ मैं। और गाइस नीचे दिखती है आपको नदी, देखो आपको अभी दिखेगी नहीं यहाँ से, तो मुझे फ्रंट कैमरा से दिखाना पड़ेगा। इतनी अच्छी हवा चल रही ना गाइस, गाड़ी में इतना गर्म हो रहा था ना, क्या बताऊँ। और उससे भी ज़्यादा गर्म होता ना मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था। लेकिन यहाँ पर ठंडक इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही ना। और अब आपको कुछ से मिलाती हूँ, क्योंकि वो तो बोलेंगे नहीं, उनको ज़बरदस्ती उगलवाना पड़ेगा। गर्म हो रहा है, जा रहे हैं। कुछ और नहीं, कुछ और कुछ खास तो कह दो यार प्लीज। कुछ खास नहीं है, गर्म हो रहा है, जा रहे हैं। तो गाइस इतना ही सुनने के लिए मिलेगा आपको आज। अब जाना है हमें लोहा घाट में, और लोहा घाट से थोड़ा बहुत हमें सामान खरीदना है, जो बचा कुछ है। क्यों नहीं खरीदना है? क्या बहुत सारा सामान है, मुझे उठाओ, अभी पानी पीना है यार। उठा रही हूँ ना, रुको वही जाके बताऊंगी। तो गाइस मैं अभी बहुत सारा सामान खरीदना है, इनको तो पता ही नहीं है कि क्या सामान खरीदना है, क्योंकि गृहिणी मैं हूँ ना, तो मुझे पता है कि क्या क्या सामान खरीदना है। तो अब लोग हम लोग भी ना गाड़ियाँ बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं चंपावत लोहा घाट के लिए। चंपावत से लोहा घाट के लिए निकलते हैं गाइस। तो गाइस अब ना हम लोग जा रहे हैं यहाँ से लोहा घाट की तरफ, और बैठ चुके हैं गाड़ी में यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ का जो व्यू है डेली का